आई कन्हैया ने कहा सुनो, एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की तन मन धन से सेवा किया करती थी, तन मन धन से सेवा करती थी। उसका पति बेचारा काश्तकार था, खेती बाड़ी करने वाला था बंधु। घर में आयो और चौक में नीम का पेड़ था बीच में, और नीम की छाया में बैठ गया और अपनी पत्नी से एक लोटा पानी मांगो। पत्नी एक लोटा पानी लेकर के आई और पानी पी कर के, और उसका पति अपनी पत्नी की गोदी में सिर रख कर के सो गया। और उसका एक छोटा सा लाला था महाराज, 6 महीने का 5 महीने का बालक था, घुटियों के बल चलता था महाराज वो बच्चा, पेट के बल घिसटता था, घुटियों के बल चलता चलता सामने आने लगा। एक भट्टी खुदी हुई थी, उसी में अग्नि धधक रही थी, कोला धधक रहे थे बंधु, कोला धधक रहे थे। अब उस ब्राह्मण काश्तकार की पत्नी ने विचार कियो, कहीं ये लाला ये भट्टी की तरफ ना चला जावे, इसमें कोला धधक रहे हैं, कहीं इसमें गिर ना जाएगा, गिर तो नहीं जाए। और इतने में वो उसी की तरफ चला गया, भट्टी की तरफ, घुटियों के बल चलता 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 वो भट्टी में झांकने लगा और एक धक्का सा लगा, धड़ाम से भट्टी में जाकर के गिर पड़ा। काश्तकार की पत्नी ने विचार किया, अब तो वो मर गया होगा, अब बचने वालों तो ना है, क्योंकि बीच में से मैं उठती अपने बच्चे को बचाती तो मेरे पति जाग जाते, तो पाती व्रत भंग है जाता। थोड़ी देर में पति जागे और भाग करके, वो काश्तकार की पत्नी भाग करके भट्टी की तरफ गई है, तो महाराज वो लड़का वो भट्टी में गिरा था, वो धधकते हुए अंगारे थे, वो पुष्प बन जाते हैं, पुष्प बन जाते हैं। पतिव्रता का इतना प्रताप है कि अग्नि भी ठंडी हो जाती है। ओ आप रात अंधेरी बन विकट, आप अंधेरी रात्रि में भ्रमण कर रही हो अपने पतियों को छोड़ करके, अपने पतियों को छोड़ करके। तो आई गोपियों ने नीचे को गर्दन डारी और पृथ्वी को कुदेरने लगी अपने अंगूठे से, कि पहले तो बुलाते हैं फिर उपदेश देते हैं। एक गोपी ने कहा कि ऐसी कथा पतिव्रता की तो हम खू जाने, खू जानते हैं पतिव्रता की। कन्हैया ने कहा वो कैसे, कि गोपियों ने कहा कि सुनो, एक पतिव्रता स्त्री थी कन्हैया, आप सुनना चाहते हो तो सुनो।